दोस्तों, क्या होता अगर कीबोर्ड की दुनिया के सारे बटन्स इंसान होते तो कैसी होती उनकी लाइफ? चलिए जानते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आकर अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, पर असल में बात कीबोर्ड के अंदर की दुनिया की चल रही है। तो हमें उनसे मतलब है जहाँ सभी बटन्स इंसान है, जिसमें ऐसे कुछ बटन्स है जिन्हें जमकर मेहनत करनी पड़ती है और बस काम ही करते रहना पड़ता है। उनकी इससे हवा टाइट हो जाती है, पर वो हार नहीं मान सकते। वहीं कुछ ऐसे भी बटन्स थे जो कि उन काम कर रहे बटन्स का हौसला बढ़ाते रहते थे और उन्हें चीयर अप करते रहते थे, क्योंकि उनके ऊपर ही ये पूरी कीबोर्ड की दुनिया टिकी हुई थी। क्योंकि अगर इस कीबोर्ड का एक भी बटन बंद हो गया या फिर मर गया तो इन सभी का कोई भी काम नहीं रहेगा और उन्हें कचरे में फेंक दिया जाएगा। इधर गेम में वो लड़का दबाकर बटन्स की जान निकाल रहा था, वही बाजू में कुछ ऐसी भी बटन्स को दिखाया जाता है जिनकी लाइफ फुल मजे में और ऐश में कट रही थी, क्योंकि उनका कोई भी काम नहीं पड़ता था और वो मस्त चिल करके अपनी लाइफ के मजे ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी बटन्स थी कि उन्हें इस लड़के ने इतनी बार प्रेस किया था कि उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी और वो दवाइयां खाकर ही जिंदा थी। वहीं हम एक ऐसी भी बटन को देखते हैं जिसका इतना ज्यादा इस लड़के ने नेक्स्ट लेवल तक यूज कर लिया था कि वो वेंटिलेटर पर था कि तभी उस लड़के की वाइफ रूम में चली आती है और उसे देख डर कर वो लड़का गेम झट से बंद करने उसी बटन को दबा देता है, जिसकी हालत काफी क्रिटिकल थी, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर सभी बटन्स अब चिंता में आ जाती है कि अब उनका क्या होगा, और वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। और कई बटन्स तो उसकी मौत से सदमे में जा चुकी थी कि तभी अचानक वो दोबारा जिंदा हो जाता है और इधर लड़का अपनी वाइफ की डांट से और ये पूरी कीबोर्ड की दुनिया कचरे में जाने से बच जाती है। इसी से हमें अंदाजा हो सकता है कि ये बटन्स अपनी दुनिया में कितना काम करती है और उनकी पूरी जिंदगी एक दूसरे पर टिकी हुई है। अगर एक भी बंद हुई तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पर फिर भी उस लड़के को नया कीबोर्ड लेना था, इसीलिए वो अपने पुराने हो चुके इस कीबोर्ड को डस्टबिन में डाल देता है। और यही इस शॉर्ट मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।